भारत की संस्कृति में कई अद्भुत कलाएं शामिल हैं। उन्हीं में से एक है बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग। मिथिला भूमि माँ सीता की जन्मभूमि है और इसका रामायण से विशेष संबंध रहा है। जाहिर है कि मधुबनी पेंटिंग में रामायण की कथाओं का दर्शन मिलेगा। इसी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हुई मिथिला रामायण की प्रदर्शनी दिल्ली के ललित कला अकादमी में आयोजित की गई है। भारत की विरासत कलाकृतियों और कलाकारों से संपन्न है। पिछले कुछ वर्षों में कथा को संरक्षित करने और कलाकारों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के ललित कला अकादमी में मिथिला रामायण की प्रस्तुति की गई। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। वैसे तो भगवान श्री राम पूरे देश की आत्मा में निवास करते हैं, लेकिन मिथिलांचल में भगवान श्री राम का महत्व पाहुन के तौर पर विशेष है। उनका विशेष मान है, सम्मान है, और उसी प्रेम को यहाँ पे मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव लिली पांडे ने किया और उन्होंने इस तरह के आयोजनों को महिलाओं के विकास के दौर में बेहद अहम बताया। हम अभी इस दौर में आ गए हैं जहाँ पे विमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़कर अब विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मिथिला पेंटिंग्स की है, मधुबनी पेंटिंग्स की, ये जो चित्रकला शैली है महिलाओं द्वारा ही प्रैक्टिस की जाती है और इसका प्रोपगेशन भी महिलाएं करती हैं। महिलाओं के विशेष योगदान को दर्शाती इस कला की प्रस्तुति में 40 से अधिक महिला कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें मिथिला पेंटिंग में पहली पद्मश्री विजेता जगदम्बा देवी की चित्रकारी के साथ सात अन्य पद्मश्री विजेताओं की रामायण की कथाएं दर्शाती मिथिला पेंटिंग का संग्रह है। रामायण जो एक महाकाव्य है, ये पूरे हमारे देश में इसके 300 से ज़्यादा वर्जन हैं और जो फोक वर्जन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये करीबन 20 साल का संग्रह है जो मैंने करीबन 400 पेंटिंग संग्रहित किए हैं रामायण पे। मिथिला रामायण की जो प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं आज, इसमें 40 से ज़्यादा महिलाओं का काम है यहाँ एग्जिबिटेड, और ये सभी महिलाएं अलग अलग दौर में मिथिला पेंटिंग करती थी। कुछ मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, पद्मश्री विनर्स भी हैं, और कुछ जो सीनियर आर्टिस्ट हैं और कुछ नए आर्टिस्ट हैं। माँ सीता के जन्म क्षेत्र मिथिलांचल में रामायण से विशेष लगाव है, जहाँ आज भी नवविवाहित जोड़े को राम और सीता का स्वरूप माना जाता है। मिथिला रामायण की इस प्रस्तुति में न केवल मिथिला पेंटिंग की अद्भुत कला का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि इस कला को आगे बढ़ाने में महिलाओं की लगातार चली आई भूमिका से भी हमारा परिचय किया जा रहा है। यह मातृशक्ति से हमारा परिचय भी है और उसका प्रोत्साहन भी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज़।